आज हम बना रहे हैं काले चने की खिचड़ी। इसके लिए हमने लिए हैं चावल, काले चने, अदरक और टमाटर, और ये है मसाले। अभी हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, और तेल गर्म होते ही हमने डाली है मेथी। उसके बाद हमने डाला है ज़ीरा। मेथी को हम थोड़ा भूनने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे जीरा, और फिर हम डालेंगे कटा हुआ अदरक और टमाटर। अदरक और टमाटर को हमने मोटा मोटा ही काटा है। अब हम डालेंगे हल्दी। और इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अब हमने डाला है धनिया, ये थोड़ी सी काली मिर्च, आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं साथ में, यहाँ पे मैंने नहीं डाली है, और स्वादानुसार नमक, और इसे थोड़ी देर चलाएंगे। इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसमें डालेंगे चने। चने डाल के हम थोड़ी देर चलाएंगे। उसके बाद हमने डाले चावल। यहाँ पे मैंने एक गिलास चावल का लिया था, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे दो गिलास। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, एक दो मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे, और कुकर के ढक्कन को एक दो सीटी आने तक बंद कर देंगे। अब दो सीटी आने के बाद देखिए चने की खिचड़ी तैयार है, कितनी अच्छी बनी है और टेस्टी भी बनी है। तो दोस्तों ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ये देखिए तैयार है चने की खिचड़ी।